विगत 2 वर्षों से माइंड एजुकेशनल एकेडमी द्वारा संचालित नर्सरी टीचर ट्रेनिंग संस्था ने रविवार को अपना पहला वार्षिक उत्सव मनाया। वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने रंगारंग मंचीय कार्यक्रम प्रस्तुत किए और संस्था ने सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। ऑल इंडिया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त माइंड एजुकेशनल एकेडमी द्वारा विगत 2 वर्षों से संचालित नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग संस्था ने अपना पहला वार्षिकोत्सव विभिन्न आयोजनों के साथ मनाया। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के तैल चित्र पर उपस्थित अतिथियों ने बारी बारी से धूप दीप प्रज्वलित कर माँ सरस्वती के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया एवं अतिथियों का स्वागत विधि अनुसार पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर संस्था द्वारा किया गया। तत्पश्चात सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत की प्रस्तुति मंच के माध्यम से दी गई। मंच के माध्यम से अन्य कई नृत्य एवं संदेश भरे नाटकों का मंचन भी विद्यार्थियों द्वारा किया गया। विद्यार्थियों द्वारा जो नाटक प्रस्तुत किए गए उसमें महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों पर प्रकाश डाला गया। आगे संस्था के डायरेक्टर लोक प्रकाश चौधरी ने बताया कि अभी सिर्फ नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया गया है, आगे आने वाले समय में नर्सरी के ऊपर के क्लासेस के लिए भी सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही योग जैसे प्रशिक्षण भी यहां प्रदान किए जा रहे हैं। उपस्थित अतिथियों ने भी मुक्त कंठ से संस्था की तारीफ करते हुए संस्था द्वारा किए जा रहे प्रयासों को दिल से सराहा और संस्था के विद्यार्थियों द्वारा संदेश भरे नाटकों के मंचन को भी खूब पसंद किया। संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने भी संस्था द्वारा दिए जा रही ट्रेनिंग को सर्वश्रेष्ठ बताया और इस सर्टिफिकेट कोर्स के जरिए अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बताया। विगत 3 वर्ष पहले एनटीटी का हमने स्टार्ट लिया था, ये ऑल इंडिया चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, इंदिरा गांधी एजुकेशन ऑफ नई दिल्ली से हमने इसके मान्यता एप्लीकेशन लिया है और इसको संचालित कर रहे हैं। आज मेरे पास छत्तीसगढ़ के अलावा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी स्टूडेंट इस संस्था से जुड़े हुए हैं और हमारे संस्था में जो प्रोफेसर लोग हैं जो टीचिंग कर रहे हैं उनका बहुत ही ज़्यादा अनुभव है, एक्सपीरियंस होल्डर हैं और इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इस कारण हमें बहुत ज़्यादा सफलता मिल रही धीरे धीरे। सर अभी इसके नई शिक्षा नीति के तहत हर विद्यालय शासकीय विद्यालय में बाल बाड़ी केंद्र से निकलेगा, पोस्ट निकलेगा जिसमें क्लास 1 से पहले वाले छात्र छात्राओं को जो एडमिशन दिया जाएगा उसमें हर शासकीय स्कूल विद्यालय में। सर ये भी इसके बाद हमारे भविष्य में और आगे इस साल से हमने योगा मेडिटेशन एंड योगा का संचालित किया गया है और भविष्य में चालू हो रहे केंद्रीय विद्यालय में हमारे विद्यालय से बहुत सारी टीचर्स जॉब में लगे हैं। वर्तमान में श्रीमती दुर्गा साहू का धमतरी में केंद्रीय विद्यालय में उनका आज का प्रोग्राम माइंड एजुकेशन एकेडमी की तरफ से है जो एनटीटी वालों के लिए है। एनटीटी मींस नर्सरी ट्रेनिंग टीचर कोर्स, यह कोर्स हमारी संस्था द्वारा चलाया जाता है तो उसका आज एनुअल डे था और यह सब बहुत ही अच्छा रहा। ये सेकेंड ईयर है हमारे इधर, 2 साल हो चुका है एनटीटी को। अब आगे और चाहेंगे कि हम और अपना और बच्चों का बहुत अच्छा बेस्ट दें। थैंक यू सर। जैसे मैं यहाँ पे हमेशा कार्यक्रम में शामिल होती रहती हूँ, किसी न किसी तौर पे मुझे बुलाया जाता है तो मैं जो देख पा रही हूँ कि जो माइंड एकेडमी जो संस्थान द्वारा जो चलाया जा रहा है सर्टिफिकेट कोर्स और इनसे जो टीचर्स ट्रेन टीचर जो निकल के आ रहे हैं और उनके संरक्षण में जब वो बच्चे बनेंगे उनके संरक्षण में जब कोर्स मतलब जो टीचर यहाँ से प्रोग्राम लेके जाके ट्रेनिंग के तहत वो जब सर्टिफिकेट लेके एक टीचर बनेंगे और उनकी छत्र छाया में जो बच्चे एजुकेशन लेंगे तो सोचिए कि नींव कितनी अच्छी मिलेगी इनको। तो और इनका जो मैं आज यहाँ कार्यक्रम में शामिल हुई और देखी कि बच्चों की मतलब जो यहाँ के विद्यार्थी हैं उनकी इतनी मेहनत है यहाँ पे और उनके पीछे पूरा तो एकेडमी को भी मतलब क्रेडिट जाता ही है क्योंकि सीमित संसाधनों द्वारा जो इनको ट्रेनिंग मिल रहा है वो बहुत बड़ी बात है। और जो यहाँ के संस्थान के जो सर लोग हैं जो चौधरी सर हैं उनकी बहुत मेहनत दिख रही है इन बच्चों के पीछे। तो नेचुरली मतलब ये बच्चे जब ये विद्यार्थी जब आगे आएंगे और अपने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत जब अपनी जो शिक्षा ये लेके उनको जो शिक्षा देंगे बच्चों को तो मेरे को लगता है कि इससे बड़ा अच्छा मतलब ये कोर्स तो बहुत पहले से भी चलना चाहिए था। अब जब भी है जैसा भी है ये तो सेकेंड ईयर है, सुधार होगा, नेचुरली सुधार होगा। वो सर अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है प्रत्येक टीचर जो है मतलब टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट उन्हें कंपलसरी कर रहा है तो इस माध्यम से हम
पढ़ चुके हैं, फिर भी एक और हमारा सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। और इससे क्या, हम तो पहले एक पढ़ाने के तौर पे हम लोग करते थे, लेकिन अब क्या ये ज्ञान हमको यहाँ से ये एंटिटी के माध्यम से और इस माइंड एजुकेशन एकेडमी के माध्यम से हमको ये ज्ञान मिला कि बच्चों को कैसे परवरिश के साथ साथ पढ़ाई के साथ परवरिश और खेल कूद कैसे करवाना, ये सब जानकारी देते हुए हमें शिक्षा दे रहे हैं। और इसके माध्यम से हमें बहुत फायदा होगा, जो हमारे विद्यालय में ये जहाँ यहाँ पढ़ के सीख के गए वहाँ हमारे विद्यालय में लागू किया, इसका हमारा फायदा हो रहा है। हाँ सर, ये कि बेसिक जो चीज़ें हैं ना बच्चों को जो केयर करना, क्या पहले हम एक विद्यालय में जो बच्चे मान लीजिए अमूमन 2.5 साल 3 साल के बच्चे आते हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम होता है, उनको कैसे केयर करना है, उनको कैसे पढ़ाना है, ये जानकारी यहाँ इस एकेडमी के माध्यम से हमको मिल रहा है। जी 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 जी, ये बिल्कुल सही बोले, गवर्नमेंट का भी पॉलिसी यही है कि भाई आप अपने एक शिक्षक जो है एक माता पिता बन के ही आप शिक्षा दें, और ये अपने एंटिटी के माध्यम से यही हमको मतलब शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारे डायरेक्टर सर, हमारे प्रिंसिपल मैम, हमारे जो मैम जो हमें शिक्षा दे रही हैं उनको तो हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जो हमारा इतना अच्छा कार्य और हमको करने के लिए मिल रहा, हमारे विद्यालय के लिए भी इससे फायदा हो रहा है। 2 वर्ष पहले नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग संस्था का आगाज होने से छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी ट्रेनिंग लेने अभ्यर्थी यहाँ आ रहे हैं, और एक शांतिपूर्ण माहौल में एक शिक्षक एक माता पिता की तरह नर्सरी में पढ़ने वाले नौनिहालों को किस तरह शिक्षा दे यह भी सीख रहे हैं। एशियन न्यूज़ के लिए मरोदा रिसाली से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।